सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप, वेलकम टू देयर अदर व्लॉग। और मैं आ गया हूँ गाड़ी लेने। सुंदरी अपनी खड़ी है, अब तो सुंदरी को लेके जाएंगे थोड़ी देर पार, तो थोड़ी देर घूमेंगे 10-15 मिनट। बढ़िया, अभी अभी उठा हूँ, नींद खुली है क्योंकि फ्रेश एयर लेनी बहुत ज़रूरी है, समझ रहे ना। सुबह सुबह अच्छा लगता है, तो अपनी नींद खुल गई है टाइम पे और काफ़ी अच्छा मौसम है। नींद तो खुल गई है लेकिन आंखें नहीं खुली अभी तक, इतने बड़े हो गए फिर भी। तो अब लेके चलते हैं सुंदरी को बाहर। और आज बिग बॉस में सारे फैमिली मेंबर आएंगे, तो काफ़ी सारा सामान सौदा है उसमें, देखते हैं एलिस भाई के लिए कौन आता है, या तो उसके डैडी जी आएंगे या फिर उनके मम्मा आएंगे। जो भी आएगा तो मज़ा आ जाएगा उसमें, क्योंकि भाई को अभी बहुत ज़रूरत है एक बढ़िया चार्ज होने के लिए, बहुत ज़रूरत है, बहुत नीड है उनको। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में बाहर चल के वापिस। आज बिग बॉस के घर में खुशी की लहर आ गई है, क्योंकि एलिस भाई पहले बहुत सैड हो गए थे और उनको उनकी मम्मी की याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। आज बिग बॉस के घर में उनके पापा आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, देख ही रहा हूँ मैं तो। अब वो वापिस चार्ज हो गए हैं वैसे ही पहले जैसे, मतलब कि एंटर उन्होंने किया था बिग बॉस के घर में फिर से वैसे ही चार्ज हो गए हैं। तो अब तो ट्रॉफी गुड़गांव ही जाएगी भैया, क्योंकि अब सबको पता लग गया है कि ट्रॉफी किसकी है और इस ट्रॉफी का विनर कौन है, बिग बॉस का विनर कौन है, सबको पता लग गया है ये चीज़। तो और एलिस भाई के पापा ने एक डायलॉग और मारा था कि भाई ठीक है तू, जी ठीक है, टाइगर अभी जिंदा है तो कोई लोड नहीं, जिस एम के लिए आए हो उस एम पे ध्यान रखो और तेरे को क्या करना है उस पे ध्यान रखो। तो अब वो पहले जैसे चार्ज हो गए वापस, क्योंकि इतने दिन वो टूट चुके थे, तो अब तो ट्रॉफी गुड़गांव भी आएगी भैया, देख लो अब आप अपने हिसाब से। अब गेम थोड़ा हार्ड हो चुका है, बहुत मज़ा आने वाला है गेम में, तो देखते रहिए आप, बिल्कुल भी मिस मत करना, एक भी एपिसोड मिस मत करना बिग बॉस का, क्योंकि अब ज़्यादा लड़ाइयाँ होगी बिग बॉस में और काफ़ी सारे झूठे वादे होंगे, तो देखते हैं क्या होता है आगे। ओके दोस्तों, तो गुड़गांव वालों रेडी हो जाओ, ट्रॉफी आपके घर आने वाली है बहुत जल्दी। और अब लोग ऐसे रंग बदलेंगे जैसे होली में रंग बदलते हैं ना, हरा पीला लाल गुलाबी, ऐसे रंग बदलेंगे, क्योंकि अब गेम बहुत हार्ड हो चुका है और सब एक दूसरे से ऊपर है, मतलब कि सब महारत आ रखे हैं उसमें और सब अपने गेम में माहिर है, कोई भी ऐसा वैसा नहीं है। और देखते रहो आगे, बाकी ट्रॉफी तो गुड़गांव ही आएगी सर, क्योंकि ये साक्षात महादेव का आशीर्वाद है उनको। अब देखते हैं आगे, चल ही रहा है काम, तो बस गेम थोड़ा हार्ड हो जाएगा, काफ़ी सारी लड़ाई होने वाली है, छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि सारे फैमिली मेंबर आ चुके हैं घर में और सब लोग फिर से चार्ज हो गए हैं।
और अब घमासान होने वाला है। चलो ठीक है, मिलते हैं अभी, मंदिर भी जाना है, मंदिर वंदिर जाएंगे शाम को, थोड़ी देर बच रही है, तो मिलते हैं आपको वापस। तो अपना छोटा वीरा आ गया है और आपा चलते हैं मंदिर। यहाँ से जाएंगे अब मंदिर डायरेक्ट, सनर ने पीरी दीदी करके क्यों क्यों जी। ये देखो जी, ये देखो नादान बाल, ये बरसाव है बाल का भारी बैठी ना पल्ली साइड पे ले, पल्ली साइड पे। हर महादेव हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। तो दोस्तों मंदिर वंदिर जाके अपन आ गए वापस घर पे, और आज का दिन काफ़ी अच्छा था क्योंकि एलिस भाई के फादर बिग बॉस के अंदर आए थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और दो दिन से वो वैसे भी बहुत सहमे सहमे से थे, तो उनके फादर के आने से आदमी खुश हो गया था बहुत ज़्यादा, तो अच्छा लगा सबको। और सबसे बढ़िया तो उनकी फैन आर्मी को लगा है कि आदमी वापस अपने जोन में आ गया है, तो अच्छा सिस्टम बैठ गया था, तो वापिस अपने जोन में आ गए हैं भाई। और अब केयर मचाएंगे वापिस बिग बॉस के घर में, क्योंकि अब एक डेढ़ हफ्ता रह गया है बस गेम के अंदर, तो जल्दी से जल्दी अब गेम को कंप्लीट करेंगे और अब देखते हैं बिग बॉस का विनर कौन होता है। अपनी तरफ से तो एक ही विनर है, वन एंड ओनली एलविश यादव। अब देखते हैं आगे क्या होता है, अगर कुछ फेर बदल होता है चीटिंग वीटिंग भी हो सकती है। 101% होगी क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम भी ऐसा ही हुआ था और शिव ठाकरे के टाइम भी ऐसा ही हुआ था, मैंने देखा नहीं पर मैंने सुना ज़रूर था। तो लगता है शायद तक चीटिंग भी हो सकती है, कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। और बाकी विनर तो अपनी तरफ से एक ही आदमी है जो मैंने बता दिया आपको, बाकी अब अच्छा चल रहा है गेम। खाना खाने के बाद मैं रोज़ चलता हूँ यहाँ पे टहलता हूँ, तो यहीं पे अपना व्लॉग शूट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे। और अच्छी हवा चल रही है आसपास, ठंडी ठंडी, और मौसम भी अच्छा है, तो इस वजह से अपना काम यहीं हो जाता है। और अपनी यात्रा के लिए मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, प्लान चल रहा है यात्रा का, तो बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ दे दूँगा कि कब करने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा समय लग रहा है उसमें। इस बार बहुत ज़बरदस्त करेंगे जो भी करेंगे, तो एलविश भाई आने का वेट कर रहे हैं, पहले उनसे मिलेंगे फिर अपन अपनी यात्रा की तैयारी करेंगे। तैयारी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस निकलना निकलना ही रहेगा फिर। तो ओके दोस्तों चलते हैं अपन घर। घर पहुंच गए हैं, घर तो घर पहुंच ही गए थे कब के, तो पहुंच गए हैं अपन घर पे और अब सोएंगे बढ़िया नींद लेंगे दोस्तों। तो चेंज वेंज कर लेते हैं फिर अपन सोएंगे। आज क्रिकेट बहुत अच्छा खेला था हमने लेकिन वीडियो में नहीं दिखा पाया, चलो कोई बात नहीं है। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पेंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अगली सुबह। ओके बाय टाटा।